शीतला अष्टमी पर मेले का हुआ आयोजन, माता को लगा ठंडे वासी पकवानों का भोग। माता को भोग लगाकर हलवे की हुई शुरुआत। डिडवाना होली के कुछ दिन बाद आने वाले त्योहार शीतला सप्तमी व अष्टमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें एक दिन पूर्व माँ शीतला को भोग लगाने के लिए पकवान बनाए जाते हैं, वो अगले दिन माता को भोग लगाकर ठंडे बासी पकवानों का ग्रहण किया जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार आपदा आई जिसको लेकर इस माता शीतला सप्तमी व अष्टमी की शुरुआत हुई, जिसमें शरीर पर पुंछी फोड़े बीमारियों जैसी बीमारियां आई, जिसमें शरीर पर फुंसी होना फोड़े होने लग गए, जिसके निदान के लिए माताजी से अरदास की गई और माताजी को ठंडे वासी पकवान बनाकर भोग लगाया गया, जिसके बाद में इस बीमारी का निदान हुआ। वर्षों से यह पुराना परंपरा चली आती है, जिसमें माता को दही छाछ राबड़ी का भोग लगाकर अपने व अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती। शहर के पुलिस थाना रोड पर स्थित शीतला माता मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों में पड़े। मेले में महिलाओं के द्वारा माता को भोग लगाकर मेले का आनंद लिया गया। वहीं मेले में चाट पकौड़ी की दुकानें भी सजी हुई नजर आई। वहीं माताजी को ठंडे ठेरे रखने के लिए पानी डालकर माताजी का आशीर्वाद लिया। वहीं इस दिन से हलिये की भी शुरुआत की जाती है, जिसमें खेत में मोट बाजरी बोकर खेत बिजान का कार्य आरंभ किया जाता है। पूजा अर्चना का कार्य, मेले की व्यवस्थाओं का कार्य पुजारी जगदीश प्रसाद गौड़ के द्वारा किया गया। ये फाल्गुन शुक्ल के पक्ष के अंदर ये होली का जो त्यौहार आता है, उसके बाद में चैत्र कृष्ण पक्ष आता है। इसके अंदर शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी का त्यौहार हम अष्टमी को मनाते हैं। अष्टमी को इसलिए मनाते हैं कि भाई सबके घर के अंदर भगवान माता रानी सबके ठंडी नजर रखे और ठंडे पकवानों का जो भोग लगता है। मंगलवार 14 तारीख रामदा बाबा का टाइम है, कल सबने बनाया माता बहनों ने। और यहाँ पे 15 तारीख को बुधवार के रोज मेला लग रहा है, जिसके अंदर सभी माताएं और स्त्री पुरुष बहनें आके माता जी को भोग अर्पण करेगी और सबके लिए खुशहाली की कामना करेगी और माता रानी सबके ठंडी नजर बनाए रखेगी। ऐसा एक प्रावधान बनाया हुआ है। इसके अंदर अगर किसी को बोधरी निकली हुई हो, किसी को जैसे पहले निकलती थी बोधरी, उसको चेचक बोलते थे, तो यहाँ शीतला माता का महत्व ये है कि ये माता रानी, इधर शीतला माता है, इधर ये सोनवी माता है और इधर बोधनी माता है। ये बोधनी माता जी जो है पहले चचक निकलती थी, उनके बारे में ऐसी मान्यता है कि भाई माता जी है ये जो बोधनी निकली है माता जी, इस बोधनी को, इस बीमारी को खत्म करो। ऐसे करके माताओं के अंदर उपवास करना शुरू किया, इनकी पूजा अर्चना करना शुरू किया। उससे ये हुआ कि इन माता जी ने वो बीमारी आज चेचक की खत्म कर दी। इस देश के अंदर चेचक आज खत्म हो चुका है। ये सब इन माता रानी की मेहरबानी है, बोधनी माता की। और इधर ये शीतला माता जी है, इनके इसका छाछ राबड़ी दही इसका खोलने का भोग लगता है। इस भोग के अंदर ये है कि भाई माता जी सबको ठंडी नजर रखती है, माता जी के जो बच्चे हैं, माता जी के जो शिष्य हैं, माता जी के जो भी भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की भविष्य के अंदर कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो, सबके ऊपर माता रानी ठंडी नजर बनाए रखे। इधर यह सोरसी मातृ का है, ये सोरसी मातृ का तो महत्व ये है, इसको गणगौर के दिन जो होते हुए है, ये सोलन माता की पूजा करके वो गणगौर की शुरुआत जो होती है, वो होली के दूसरे दिन की गणगौर की शुरुआत होती है 16 दिन के लिए। उसके अंदर ये सोलन माता जो है इसको औरतें गीत गाती हुई ये अपनी जो गणगौर की जो पूजा करती है इसका नाम देके और ये गणगौर की आगे शुरुआत करती है। ऐसी ये मान्यता है, ये माता रानी की मेहरबानी है और यही माता रानी का सप्तमी का अष्टमी का ये जो त्यौहार जो मनाया जाता है, ये सबके कृपा बनी रहे और जो भी है।